आईपीएल 2022 के सीजन में एक से बढ़कर एक कैचेस देखने को मिले, जो लगता नहीं था जब गेंद हवा में होती है तो कैच हो भी पाएंगे, लेकिन जब गेंदबाज पूरी तरीके से शॉक्ड रहता है कि वो कैच पकड़ लिया गया तो सबको लगता है कि हाँ ये हुआ है, हकीकत में हुआ है। और ऐसा ही हमें राजस्थान वर्सेज लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबले के दौरान देखने को मिला। लखनऊ की टीम 24 रन से मुकाबला हार गई, लेकिन जॉस बटलर और रियान पराग की कैच ने मुकाबला पलट के रख दिया था। आप सभी को बता दें सोशल मीडिया पर इस कैच की बहुत तारीफ हो रही है, साथ ही इस कैच को इस सीजन का सबसे बेहतरीन कैच माना जा रहा है क्योंकि क्रूशियल मोमेंट पर यह कैच पकड़ा गया और काफी ज्यादा यहां पर मैच्योरिटी देखने को मिली थी। हुआ ये दोस्तों कि रियान पराग ने लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज कुरनल पांड्या का यह कैच पारी के 14वें ओवर में पकड़ा। दरअसल इनिंग के 14वें ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज कुरनल पांड्या और दीपक हुडा बैटिंग कर रहे थे। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से रवि अश्विन ये ओवर डाल रहे थे। लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज कुरनल पांड्या और दीपक हुडा के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। कुरनल पांड्या ने रवि अश्विन की बॉल पर आगे बढ़कर शॉट खेला। पहली नजर में लगा कि बॉल बाउंड्री पार चली गई, लेकिन बाउंड्री पर खड़े जॉस बटलर और रियान पराग ने हैरतअंगेज कैच पकड़ लिया। बटलर ने पहले बाउंड्री के पास गेंद को पकड़ा, फिर पास खड़े पराग की तरफ बॉल को उछाला, जिसके बाद रियान पराग ने उस कैच को पकड़ लिया। उसके बाद तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और कुरनल पांड्या और दीपक हुडा के बीच जो 65 रनों की एक क्रूशियल पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी उसको तोड़ के रख दिया अश्विन ने, और इसका पूरा श्रेय जॉस बटलर और रियान पराग की इस खूबसूरत कैच हो गया। अगर आपको भी लगता है ये सीजन की सबसे बेहतरीन कैच थी तो एक लाइक और एक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी ये कैच सचमुच बहुत खूबसूरत कैच थी और इसी के बाद मुकाबले में बदलाव आया क्योंकि 65 रन की पार्टनरशिप हो ही चुकी थी। इसके बाद जो पार्टनरशिप मतलब आने वाले बल्लेबाज थे वो ज़्यादा तरीके से ऑलराउंडर थे, जिसमें मार्कस स्टोनिस, जेसन होल्डर, दुष्मंता चमीरा या फिर बात करें मोहसिन खान, सब ऑलराउंडर ही थे। लेकिन इस कैच ने पूरी तरीके से मैच पलट कर रख दिया क्योंकि 94 रन पर यह कैच चौथा विकेट गिरा, उसके बाद 116 रन पर पांचवा, और उसके बाद तो विकेट गिरे और 24 रन से लखनऊ टीम ये मुकाबला हार गई। नेक्स्ट 9